समझाया पितृ देवता होते हैं उनका पिंडदान यही करते हैं। पहला पिंड प्रयाग होता है, दूसरा काशी होता है, तीसरा गया होता है, चौथा बद्री नारायण होता है। फिर पिंड दान करने का कहीं का अधिकार नहीं रह जाता उसका, समझ आया। लास्ट मंजिल यही है, यहाँ से चलोगे तो सीढ़ी से चढ़ोगे, समझ आया। सीढ़ी से चढ़ोगे जब तो प्रयाग आओगे, प्रयाग से काशी जाओगे, काशी से गया जाओगे, गया से बद्री नारायण जाओगे, फिर उसके बाद जाते रहो जहाँ मन में आए वहाँ जाओ, समझ आया। लेकिन मुख्य ये चार ही द्वार है, इसीलिए चारों धाम बोला गया इसको। संगम की कुछ विशेषता बताइए, जो संगम है उसकी विशेषता बताइए कुछ। इनकी विशेषता भगवान नहीं बता सकते, तो हम इनकी विशेषता क्या बताएं बेटा। वो कह सकते प्रयाग प्रभाव कलश कुंजर बुलाऊ देव धनुष की नरसेनी सादर बच्चे सकल त्रिवेणी अखत अलौकिक तीरथ राहू दे शब्द फल प्रकट प्रभाव प्रत्यक्ष की कोई देवी देवता नहीं देते, लेकिन ये मैया प्रत्यक्ष देती है जाने के बाद। करो उसका फल मिलेगा, कर्म नहीं आज का रस्ते माफले सुविधा चला। जब कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा आपको, कुछ भी करोगे फल मिलेगा, विद्या सर्व पढ़ोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। सब समझते हो ना, शब्द ही सरस्वती है, शब्दार्थ का प्रयोग करते हो तो वही सरस्वती है जो पूछते हो हमसे आप, समझ में आया। अगर शब्द को न मिलाया जाए तो शब्द नहीं बनेगा, मानते हो नहीं मानते हो। बीच में आधे ही बा आ जाता है, शब्द आता ही नहीं आता, तो ये सरस्वती सास शब्द सास सरस्वती का वास वहीं से होता है, जहाँ उद्गम होता है गंगा जमुना का मिलन होता है वहीं माँ सरस्वती गुप्त रहती है। जैसे आप बोलते हो तो ये मालूम नहीं कौन बोलता है बेटा, अगर इतना रिसर्च कर लो तो क्या रहा। डॉक्टर हर चीज बनाया है, तुमको चिथड़ा कर दिया, चिथड़ा करके फिर तुमको ले जा करके खड़ा कर दिया है, ये देखो वो भी एक भगवान है। विज्ञान कहता है आओ कर के सीखे, है ना, और ये हमारा यंत्र मंत्र तंत्र हमारा कहता है कि आओ करके सीखे, ये भी बताता है। अभी कौवा मंत्र मार दे बेटा, अभी उल्टने पलटने लगोगे, कौवा मंत्र मार देंगे तो उल्टने पलटने लगोगे, लेकिन पाप किसको लगेगा, जो पाप करता उसी को पापी कहते हैं। इतना पाप तो नहीं लेंगे कि हमारे मंत्र मारे कि आपको जिंदगी आदमी पागल हो जाते हैं बेटा, समझ नहीं आया। तो पागल कैसे होते हैं जो एक ही पर डिग हो जाते हैं, समझते हो ना। दिमाग चारों तरफ होना चाहिए, ये चक्र में होना चाहिए बेटा, काल जो है वो चक्र।